हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल है सभी के? आई होप कि सब बढ़िया हो गए। एंड बहुत दिनों के बाद यार, बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं किया था। अब से मैं सोच रहा हूँ कि डेली मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँगा। जी हाँ गाइस, अभी अपना चैनल का नाम बदल चुका है, सो अभी मिस्टर शेख करके अपना चैनल है, सो मिस्टर शेख करके जानिए। एंड वीडियो नहीं आने के कारण हमारे चैनल का रीच डाउन हो जा रहा है गाइस। एंड हमारे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं गाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी सब्सक्राइब किए हैं। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना एंड जल्द ही 1K करा देना गाइस, क्योंकि अब से मेहनत चलेगी, डेली वीडियोस बनाऊंगा गाइस। तो चलिए यार, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शाम के वही 4:30 बज रहे हैं एंड 4:30 से पार ही हो गया है। झारखंड का तो यार मौसम जान ही रहे हो, अभी बड़ा ही बेईमान हो गया मौसम। अभी सुबह ठंड लग रही है, दोपहर में धूप कर रही है थोड़ी थोड़ी, फिर भी ठंड वाली फीलिंग आ रही है। एंड शाम में बारिश कर रही है एंड शाम में पूरा ठंड लग रही है। सो क्या ही बेईमान मौसम बना रहा है गाइस झारखंड में अभी, क्या ही बताऊँ। इंडिया के अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं मैच खेलने के लिए, हॉकी मैच खेलने के लिए। सो जाएंगे यार, देखेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। एंड झारखंड की टीम तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है गाइस। सो वीडियो पर बने रहिएगा एंड तक। एंड अभी जो कुछ भी होता है वो सब आप लोग को ब्लॉग में दिखेगा। तो अभी मैं हूँ फिलहाल खेत के साइड में एंड यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, पीछे देख सकते हैं पूरा खेत ही खेत है। एंड उधर प्यारा प्यारा पेड़ सब है, वहाँ उधर पूरा बड़ा सा फील्ड है एंड वहाँ पर जंगल जैसा है और वहाँ काफ़ी सारा पेड़ उड़ है। तो वहाँ भी चलते हैं और वहाँ का एक बार थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ का कुछ ऐसा है। तो गाइस, मौसम फिर से अभी बेईमान होने जा रहा है। देखिए अभी बादल बना रहा है, बारिश करने का कागार में आ रहा है मौसम। एंड से काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ का व्यू। एंड यहाँ पीछे तो पूरा खाली मैदान है एंड इधर में काफ़ी सारे पेड़ हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पेड़ वगैरह हैं। सीधे पेड़ हैं यहाँ पर, पीछे देख सकते हैं आप, सारे सीधे पेड़ हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि किसी जंगल पर आए हैं, लेकिन ये बड़ा जंगल नहीं है, सखुआ के पेड़ है। एंड झारखंड में ये सखुआ के पेड़ मिलता ही है एंड इससे दतुन वगैरह करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं और इसका पत्ता का थाली वाली वगैरह बनाया जाता है। सो देख सकते हैं यहाँ पूरे सीधे सारे पेड़ हैं। एंड इधर पूरा का पूरा खाली मैदान है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पूरा का पूरा इधर पूरा खाली मैदान है। एंड यहाँ से इधर पेड़ों की शुरुआत होती है, फोटोशूट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड सीधे पेड़ हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ फोटोशूट वगैरह के लिए भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। सो आएंगे कभी यहाँ पर फोटोशूट करने। एंड देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ वगैरह कितने लंबे पेड़ एंड सीधे पेड़ हैं। यहाँ से अभी हम चलते हैं और यहाँ काफ़ी बढ़िया है यार, फोटोशूट वगैरह के लिए भी काफ़ी मस्त है। एंड देख सकते हैं यहाँ पीछे पेड़ वगैरह। एंड अभी हम यहाँ से चलते हैं एंड अभी पीछे देख सकते हैं यहाँ रास्ता ऐसा कुछ है यहाँ। एंड यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है और अभी सनसेट होने वाला है उधर, देख सकते हैं। एंड स्टेडियम अभी काफ़ी थोड़ा सा दूर है यहाँ से, सो सोच रहा हूँ वहाँ जाने की। एंड वहाँ से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही है अभी तक, स्टेडियम से आवाज़ें आ रही है अभी तक चिल्लाने की, मैच हो रही है वहाँ पर। सो चलते हैं अभी स्टेडियम की तरफ एंड थोड़ी देर मैच देखा जाए। तो ये एक यहाँ पर तालाब है एंड सनसेट होने ही वाला है और सनसेट का नज़ारा कुछ ऐसा है। एंड अभी फिर से सूरज उग गया है एंड अभी बादल किया था एंड थोड़ा बादल किया है गाइस, पानी वाला मौसम थोड़ा बनाया है एंड सनसेट होने वाला है। अभी फ़िलहाल चलते हैं स्टेडियम की तरफ एंड स्टेडियम का एक झलक आज आप लोग को दिखा देते हैं। सो चलिए। सो गाइस, स्टेडियम तो मैं पहुंच गया था और अभी भी मैं स्टेडियम में ही हूं। एंड जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही मैच समाप्त हो गए गाइस, वैसे ही मैच ख़त्म हो गए और आज झारखंड और ओडिशा का मैच था, और झारखंड 5-0 से विजय हो गया। तो इतना ही सुनने को मिला मेरे को एंड बाकी तो आप स्टेडियम का सीन देख सकते हैं यहाँ।
और इधर है बिरसा कॉलेज और सभी दर्शकगण यहाँ से जा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ में आई थी यहाँ पर हॉकी मैच देखने के लिए, एंड अभी सारे कोई लौट रहे हैं, बहुत सारे कोई तो लौट ठीक है। एंड यहाँ पर बिरसा कॉलेज है यहाँ पर, और उधर साइड में स्टेडियम है, और यहाँ पर फुटबॉल वाला स्टेडियम है। सो चलते हैं हम लोग भी अभी। तो यार अभी का एक और सीन हो गया, एंड आज संध्या का बर्थडे है, एंड अभी अभी संध्या घर आई है, एंड मम्मी अभी कॉल की थी कि सामान वामान लाना है, संध्या का बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा। सो संध्या का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे गाइस आज, तो अभी फौरन मेरे को घर जाना होगा। सुषमा और एक लड़का को मेरे पास भेज रही है, अभी कुछ सामान वगैरह सेलिब्रेट के लिए सामान वगैरह ले जाएंगे, एंड चलेंगे हम घर, और घर में अच्छे से आज संध्या का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो गाइस अभी डोडो भाई मिल चुका है और ये हमको अभी पहुँचा देगा नीचे चौक तक, अभी जल्दी बुलाइए मम्मी लोग, सो नीचे चौक तक पहुंचा देगी, एंड सुषमा लोग नीचे चौक तक आएगी। ओ हो हो, तो छोटो भाई गाड़ी चला रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू भाई पहुंचाने के लिए। हाँ ठीक है चलो गए हैं गाइस, और अभी वेट करते हैं सुषमा लोग का, तो सुषमा लोग का भी वेट करना होगा और नीचे तक पहुंच गए हैं। अभी वो लोग आएगी तो सामान वामान लेके जाएंगे घर एंड सेलिब्रेट करेंगे, तो मिलते हैं अभी दुकान में सामान वामान ले लो के, तो आने दो सुषमा लोग। तो सुषमा मिल गई है गाइस, अभी बाजार तरफ आए हैं और अभी पनीर लेने जा रहे हैं, और यहाँ पर पनीर का दुकान है बहुत सारा, यहाँ पर बहुत सारा सब्जी का दुकान लगाया गया है, यहाँ सब्जी ही सब्जी लगाया गया है, और यहाँ पर पनीर है। पूछो कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से पनीर लिया जा रहा है गाइस, और यहाँ पर खड़ी है पनीर लेने के लिए, तब ला जा रहा है। फाइनली गाइस अब हम लोग यहाँ पर बर्थडे कार्ड बना रहे थे, अभी हम इधर उधर जाएंगे हम लोग, अभी हम अपनी दोस्त लोग का घर तरफ में हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे उधर, दीदी का केक कट होगा और इधर हम लोग सबको एकदम इधर है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पूरा तैयारी चल रही है, देखो इधर यहाँ पर पूरा डेकोरेशन हो रहा है, और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे वाला बैनर छपेगा, और यहाँ पर पूरा बैलून वैलून सब फुला जा रहा है, यहाँ पर सब पे फुला रहे हैं बैलून, और हाँ आधा डेकोरेट पूरा हो ही गया है, लगभग हो ही गया है, बस यहाँ पर लगाना बाकी है कपड़ा वपड़ा, यहाँ पर केक रखेगा और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, और पूरा रूम को हम लोग ऐसा सजाए हैं कुछ ऐसा, और यहाँ पर आधी तैयारी हो गई है, और सारे कोई अभी नीचे गए हैं खाना वाना पका रहे हैं, तो सब कोई रेडी हो गए हैं गाइस देख सकते हैं। यहाँ पर सब स्वागत के लिए, हाँ स्वागत के लिए आ गए हैं सभी को, और अभी बर्थडे कल निकालना बाकी है। तो ये देखो गाइस बर्थडे कल रेडी हो गया है, चलो 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 आओ स्वागत करो।
तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड मिलते हैं आपको अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल। सो बाय बाय।